हाय एवरीवन, वेलकम टू अंतरा स्क्वाड। वी आर मीटिंग आफ्टर क्वाइट अ फ्यू डेज। हम लोग 1000 एमसीक्यूज वी हैव कंप्लीटेड एंड वी आर मीटिंग टुडे आफ्टर मेनी डेज। एंड आज के क्लास में हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास करने वाले हैं बेस्ड ऑन वट एवर एमसीक्यूज, वट एवर कोटेशंस वी हैव कम अक्रॉस टिल नाउ ऑन कास्ट। So if you are new to my channel, if you have not yet subscribed to my channel yet, please do so because you will find 1000 MCQs. Uske alawa many other concepts, mock test sessions. Please visit the playlist. Aap logo playlist mein sare alag alag jo bhi maine padhai hain, UGC NET, sociology related jo bhi humare cheeze hain, sare aapko is channel ke playlist mein mil jayegi. So starting with today's video, as you all can already see, it is important quotations on class. Caste system, and if you people have not yet subscribed to Unacademy Plus, please do so because I have started with revision courses and crash courses based on MCQs. This is my referral code AntaraChuck without any space, which will give you a 10% discount. Now, without any further delay to this class, because it is going to be a comparatively short class, let me start with it. And I hope each of you can see me. I am visible. There is no other issue. सबको क्लास की लिंक भी मिल गई होगी। ओके, राइट। सो दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली एंड ओनली ऑल द एमसीक्यूज दैट वी हैव सॉल्व्ड टिल नाउ। एंड टिल नाउ जितने भी हमारे नेट के एमसीक्यूज हैं, सेट के हमने हजारों एमसीक्यूज की हैं उनसे। सो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि इसमें सारे चीजें आपको मिलेंगी, बट कुछ डेफिनेटली जो बहुत बार रिपीट हुई है, दोज यू विल इजिली फाइंड हियर। ओके, yes, now I hope my screen is visible to all of you. अगर नहीं है तो आप लोग please इसको थोड़ा resolution बढ़ा दो। I'll give you the PDF on my Telegram, that is @ AntaraChuck. If you people have not yet followed me on my Telegram, please do so. इसमें सारे आपको free classes के updates, class updates, PDFs, everything is provided here. It is @ AntaraChuck. Okay, in case your resolution is poor, थोड़ा बढ़ा दो because कोटेशन अभी आप लोगों को देखना है। ओके, ऑल माई रेफरल कोड्स आर वैलिड, कोई भी डालो, एवरीबडी इज, एवरीथिंग इज गोइंग टू गिव ओनली 10%। ओके, अच्छा, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कास्ट इज अ क्लोज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रेटिफिकेशन बाय एफजी बेली। गाइस, जब भी कास्ट का कोई कोटेशन हो, अगर वहां पे आपको ऑर्गेनिक वर्ड दिखे, इट इज अ की वर्ड फॉर एफजी बेली। इन केस यू डिडंट नो इट टिल नाउ, प्लीज नोट इट डाउन। इस डेफिनेशन में क्लास कास्ट इज अ क्लोज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रेटिफिकेशन, दिस इज एफजी बेली। बट क्लोज्ड को आप लोग कीवर्ड मत रखिए, बिकॉज क्लोज्ड शब्द का अर्थ काफी थिंकर्स ने की है, नॉट जस्ट बेली, बट 2-3 पीपल हैव यूज्ड क्लोज्ड इन देयर डेफिनेशंस। सो वी विल ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंगली, हम अकॉर्डिंगली उसे याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अगेन बाय एफजी बेली, व्हाट इज इट, लेट अस सी। कास्ट स्टैंड्स इन रिचुअल एंड सेक्युलर हायरार्की। गाइस, काफी हद तक हमें ये लगता है कि हायरार्की इज अ की वर्ड फॉर दूमो, विच इज येस, इट इज अ की वर्ड फॉर दूमो, बट ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, दिस इज बाय एफजी बेली, जहां पे उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ रिचुअल नहीं लेकिन सेक्युलर हायरार्की भी है, एक्सप्रेस्ड थ्रू इंटरैक्शन। जब एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो रिचुअल एंड सेक्युलर हायरार्की गिव्स राइज टू कास्ट, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एफजी बेली। Okay, this is going to be a short class, mostly I think 20 minutes, so it's okay. Okay, अभी गुनार मिडाल में आते हैं। गुनार मिडाल में दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुई है, सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द टू फॉर्म्स। दोनों फॉर्म में अगर आया तो हमारा आंसर गुनार मिडाल ही होगा। कास्ट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। ओके, दिस इज इनइक्वालिटी, ऑल राइट, नॉट इक्वालिटी। कास्ट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिजिड क्लास। ये दोनों सेम ही मीनिंग है, दोनों गुनार मिडाल का है। ओके, कास्ट इज एन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, कास्ट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिजिड क्लास। बहुत ही ज्यादा इनइक्वल है, बहुत ही ज्यादा रिजिड क्लास है, दोनों हमारा गुनार मिडाल का है। सो प्लीज नोट इट डाउन, दोनों फॉर्म में अगर आया, आंसर विल बी गुनार मिडाल। जनरली आपको एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है, या फिर दे कैन आस्क यू इन अ जनरल क्वेश्चन फॉर्मेट एज वेल। कास्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हायरार्की रादर देन स्ट्रेटिफिकेशन। हायरार्की पे सबसे ज्यादा फोकस किसने की है, लुई दुमो में।
So expression of hierarchy rather than stratification is Louis Domo. So this is as straight as that. But इसको आपको F.G. Bailey के comment के साथ नहीं mix up करना है, okay? Now confusion arises when we see these two statements of B.R. Ambedkar. क्योंकि B.R. Ambedkar का जो statement है काफी similar है Max Weber के साथ. तो हम वो भी देखेंगे, okay? B.R. Ambedkar says class is an caste is an enclosed class. Please ध्यान दो. यहाँ पे उन्होंने कास्ट को एनक्लोज्ड कहा है, एनक्लोज्ड क्लास, कि ये क्लास की तरह ही है लेकिन ये एनक्लोज्ड है, बंद है, रिजिड सिस्टम है. तो ये एनक्लोज्ड टर्म इज रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर. ओके, बी आर अम्बेडकर के तीन फेमस कोटेशंस हैं, सारे हम देख लेते हैं. कास्ट इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगेमी ओवर एक्सोगेमी. कास्ट में एंडोगेमी का जो रूल है दैट यू हैव टू मैरी विद इन योर कम्युनिटी स्पेसिफिकली विद इन योर कास्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंटली फोकस्ड अपॉन बाय बीआर अंबेडकर. उन्होंने कहा था कास्ट इज अ सुपर इम्पोजिशन. एंडोगेमी बहुत ज्यादा इम्पोज करता है ओवर एक्सोगेमी. सो एक्सोगेमी इज नॉट रियली अ फीचर ऑफ कास्ट एज वी ऑल नो. दिस स्टेटमेंट ऑल्सो गोज टू बीआर अंबेडकर. Lastly, caste system is not merely division of labor but division of laborers. Very famous definition of B.R. Ambedkar. Caste sirf labor ko divide nahi karta hai but laborers mein bhi divide karta hai. Caste jo log follow karte hain unke beech bhi ye ek difference le aata hai. Okay? So I think these statements are clear. Aap logon ne note down kar li hogi. Now let us see the next set of quotations. नेक्स्ट कोटेशन हम लोग नेसफील्ड का देखने वाले हैं. नेसफील्ड हैज सेड दैट फंक्शन एंड फंक्शन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम. नेसफील्ड ने कहा था कि ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम में फंक्शन एंड फंक्शन अलोन, कौन सा ऑक्यूपेशन में क्या काम हो रहा है, दैट इज वॉट वी अटैच विद नेसफील्ड. सो नेसफील्ड का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डेफिनेशन है. ओके, next we come to Celestine Bogle. We all know that Bogle is one of the major proponents. In fact, बहुत पहले उन्होंने caste system के बारे में बताया था. तो Bogle का हम लोग देख लेते हैं. उन्होंने कहा था the notion of caste depends on hereditary specialization. Number one keyword. Number two hierarchy. Number three mutual repulsion. म्यूचुअल रिपल्शन का मतलब है आप लोगों को पता है कि अगर दो मैग्नेट आप पास लाने की कोशिश करोगे सेम पावर वाले तो ये पास नहीं आएंगे. राइट, वी ऑल नो प्लस माइनस मैग्नेट में सेम जो सिंबल साइन वाले होते हैं वो एक दूसरे से रिपल्स हो जाते हैं, दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर. इन द सेम वे कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो म्यूचुअली रिपल्सिव. दैट मीन्स दो कास्ट कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका एक साथ मैच हो जाए. दे विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट डिस्टेंस इन बिटवीन टू कास्ट. ओके, so specialization, hierarchy, mutual repulsion, keyword for Bogle. Now let's come to M.N. Srinivas, जिन्होंने कहा था subcaste is the real unit of caste system. ये काफी बार एग्जाम में आया है, आ भी सकता है इन फ्यूचर, कि किसने कहा है कि subcaste is only the real unit of caste system, that is M.N. Srinivas. Okay, now let's see the second point. Caste is a Brahminical child of Indo-Aryan culture. ये बहुत famous PYQ है, हमारे नेट का PYQ है, जहां पे घोड़े का ये स्टेटमेंट आया था. ओके, घोड़े ने इंपॉर्टेंटली कहा था दैट कास्ट इज अ ब्राह्मिनिकल चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर. जो ये इंडो आर्यन कल्चर है उनके साथ हमारा कास्ट आया था एज अ ब्राह्मिनिकल इन्वेंशन, एज अ मोनोपोली ऑफ ब्राह्मिनिकल, द ब्राह्मिनिकल कल्चर. तो ये GS घोड़े का हो गया. मैंने सिर्फ कास्ट इज अ ब्राह्मिनिकल चाइल्ड बोल्ड लेटर्स में रखा है सो दैट यू कैन रिमेंबर द की वर्ड अकॉर्डिंगली. ओके, राइट. बेरेमन, जेरॉल्ड बेरेमन ने कास्ट का डेफिनेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, कल्चरल प्लूरलिज्म एंड इंटरैक्शन. इसको आप कंफ्यूज मत कीजिए विद बोगलेज डेफिनेशन. बोगले ने भी कहा है इन सब चीजों के बारे में, बट हिज वर्ड्स आर लिटिल डिफरेंट. सो बेरेमन बोगले माइट साउंड डिफरेंट बट दे आर डिफरेंट. ओके, स्ट्रैटिफिकेशन, कल्चरल प्लूरलिज्म, इंटरैक्शन, की वर्ड्स बाय जेरॉल्ड बेरेमन. Now let's look at this set of quotations जो आपस में काफी ज्यादा confusing है, but I'm pretty sure if you people majorly focus on what I'm going to tell you now, you are never going to forget. Okay? So guys, in the same way हमने देखा था बेली के केस में, गुनार मिडाल के केस में, in the same way वेबर ने भी दो statements कही है, दोनों are correct. काफी आपको sources बताएंगे caste is a closed status group. काफी सोर्सेस आपको बताएंगे कास्ट इज अ क्लोज्ड कम्युनिटी. बोथ आर करेक्ट.
ओके, बोथ आर बाय मैक्स वेबर, दोनों ही करेक्ट है हमारे मैक्स वेबर, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है, ओनली एंड ओनली स्टेटस ग्रुप एंड कम्युनिटी गोज टू मैक्स वेबर, बट इन द वेरी सेम सेंटेंस इफ आई पुट क्लास या फिर ग्रुप, इट बिकम्स टी एन मदान एंड डी एन मजुमदार. ओके, कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास या फिर क्लोज्ड ग्रुप, इट इज टी एन मदान एंड डी एन मजुमदार, लेकिन कास्ट इज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप या फिर कम्युनिटी इज मैक्स वेबर. याद रहेगा आप लोगों को, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दीज थ्री. इसको मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख के रख रही हूँ, प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना इसमें. ओके, और एक सेंटेंस के साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज बाय डेविड हार्डीमैन. डेविड हार्डीमैन ने कहा था कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, फिर यहाँ पे वो रुके नहीं, वो आगे जाके कहते हैं क्लास इज एन ओपन कास्ट. ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़े. डेविड हार्डीमैन ने सिर्फ कास्ट इज ए क्लोज क्लास नहीं कहा था, बिकॉज वो तो टी एन मदान लोगों ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू करके कहा कि क्लास इज एन ओपन कास्ट. सो बेसिकली अगर उल्टे चीजों की बात होगी तो आपको पता चलेगा, अगर दोनों चीजों की बात हो रही है क्लास एंड कास्ट बाय रिवर्सिंग ईच अदर, तो फिर वो डेविड हार्डीमैन हो जाएगा. क्लियर. सी एच कूले ने भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज कही थी, ऑल्दो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड. काफी लोगों को लगता है कि सी एच कूले क्यों कास्ट पे बात करेंगे, बट ही हैज अ फेमस कोटेशन, दैट इज उन्होंने कहा था कि जब क्लास हेरिडिटरी बन जाती है तो ये कास्ट बन जाती है. एनीबडी कैन बी पुअर रिच, लेकिन अगर कल ये हम हेरिडिटरी बना दें कि रिच के बच्चे रिच ही होंगे, पुअर के बच्चे पुअर होंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं कास्ट में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस कन्वर्शन ऑफ क्लास and caste is spoken of by C.H. Coole. So please note it down. Okay? A.W. Green ने एक definition दिया था caste का, जो हम देख लेते हैं. He says, caste is a system of stratification in which mobility up and down the status ladder is at least ideally may not occur. A.W. Green कह रहे हैं कि caste एक system of stratification है, जहाँ पे mobility, यानी कि अगर आपको move करना है ऊपर या फिर नीचे, वो बहुत कम ही होता है. Okay? एफ जी बेली ने, हमने बिगिनिंग में ही देखा था, उन्होंने ऑर्गेनिक शब्द का काफी ज्यादा यूज किया था, बट ऑर्गेनिक में भी वन थिंग यू पीपल हैव टू रिमेम्बर, दैट इज उन्होंने ट्राइब के बारे में भी कहा था कि ट्राइब सेगमेंटरी होती है और कास्ट ऑर्गेनिक होती है. तो कास्ट का ऑर्गेनिक होना इज ऑलरेडी अ की वर्ड फॉर एफ जी बेली. प्लीज एड इट टू योर नोट्स दैट ही ऑल्सो सेज दैट ट्राइब इज सेगमेंटरी वेयर एज कास्ट इज ऑर्गेनिक. ओके, clear guys, I hope these quotations has helped, have helped you. This class was only about quotations and I'm pretty sure they would be helping you. In case I come up with more such quotations, I'll let you know. Tomorrow 6 p.m. we have a similar short class on all the important quotations based on PYQs on kinship, family and marriage. Koi bhi aisa hamara famous agar PYQ hai related to, या फिर कोटेशन है किनशिप फैमिली मैरिज से रिलेटेड, वो मैं कल आपको 6 PM के क्लास में बताने वाली हूँ. एंड थैंक यू सो मच, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस फॉर फुल सिलेबस, यू नो व्हाट टू डू. दिस इज माय रेफरल कोड अंतरा चक, व्हिच विल गिव यू अ 10% डिस्काउंट. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई विल सी यू गाइज टुमारो सेम टाइम 6 PM. ओके, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट है, सब लोग आ जाना अन अकेडमी पे. ओके, ऑल राइट. Bye guys, PDF will be provided in Telegram, so don't worry. Bye.